रामपुर के शवा थाना क्षेत्र के केसरपुर गांव में देर रात सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। गांव के 5 लोगों ने रंजीशन की युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद युवक को पिकअप गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए हत्यारे, जिसके बाद मृतक रोहतास के भाई बेनाम सिंह ने शबाद थाने को हत्या के बारे में सूचित किया। वहीं हथियारों द्वारा हत्या कर शव ले जाने को रामपुर पुलिस ने चैलेंज समझकर चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी कर दी। रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने 10 थाना अध्यक्षों 3 क्षेत्र अधिकारियों की टीम लगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते सुबह करीब 8 बजे शबाद पुलिस को हथियारों की लोकेशन डिटेक्ट हुई और पुलिस टीम ने रामगंगा नदी के पुल के पास हथियारों को घेर लिया। मौके पर दोनों हथियारों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों हथियारों के पैर में गोली लगी है। बाकी 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए शबाद CHC पहुंचाया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर पिकअप और मृतक रोहतास की डेड बॉडी बरामद की। पुलिस इस मामले में जल्दी और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। कल केसरपुर निवासी बेनाम सिंह ने रात में 8:30 बजे करीब थाना शाहबाद को सूचना दी कि उसका भाई गांव के बाहर मंदिर पर बैठा था। तभी गांव के कुछ लोग आए और वो सड़क पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गोली मारकर, और उसके सबको एक पिकअप गाड़ी में रखकर ले गए। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरे जो अभियान था इसका नेतृत्व किया गया और जनपद के 10 थानाध्यक्षों की टीम बनाई गई। क्योंकि घटना तो आपसी रंजिश को लेकर हुई थी, लेकिन ये चैलेंजिंग था कि जो अभियुक्त है वो गोली मार कर हत्या कर डेड बॉडी को मिले गए। इस तरह से 10 थानाध्यक्षों की टीम और 3 क्षेत्राधिकारियों की टीम कप्तान साहब के नेतृत्व में पूरी रात जो कॉम्बिंग करती रही डेड बॉडी की तलाश में और अभियुक्तों की तलाश में। तभी सुबह 8 बजे के करीब थाना शाहबाद पुलिस को पता चला कि गाड़ी जिसमें बदमाश है वो शाहबाद से रामपुर की तरफ को आ रही, तो रामगंगा के किनारे इस गाड़ी को घेरा गया, जिसमें से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम रामनिवास और श्रीपाल हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए शाहबाद CHC ले जाया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की गई। इस प्रकार से जो पिकअप गाड़ी थी वो बरामद हो गई है, डेड बॉडी बरामद कर ली है पुलिस ने, और 2 जो नामजद बदमाश थे उन्हें पुलिस मुठभेड़ में घायल करके और गिरफ्तार कर लिया। आगे की जो दूसरे अभियुक्त बच्चे हैं उन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई जारी।